हाई गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल वेलकम बैक टू अनदर वीडियो आई होप यू आर आर डूंग फाइन एंड टाइटल्स आप लोग पढ़ चुके कि आज की वीडियो क्या होने वाली है तो अभी रिसेंटली मैंने एक बॉडी केयर प्रोडक्ट्स दैट एक्चुअली वर्क वाला वीडियो शेयर किया था वेर एंड आई शेयर बॉडी टैन एंड बॉडी एक्ने रिलेटेड प्रोडक्ट्स दैट एक्चुअली वर्क वो वीडियो मैं लिंक कर दूंगी तो उस वीडियो के कॉमेंट्स में मुझे आप लोगों ने बोला था टू मेक अ सिमिलर वीडियो अबाउट हेयर केयर सो दैट इज़ वॉट वी आर गोइंग टू डू इन टुडेज वीडियो आई विल बी शेयरिंग ऑल द हेयर केयर प्रोडक्ट्स जो कि मैंने यूज़ किए हैं एंड एब्सोल्यूटली अमेजिंग प्रोडक्ट्स बहुत अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स होने वाले हैं नथिंग इज टू एक्सपेंसिव सारे लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी एंड प्राइस मैं इधर मैंशन कर दूँगी सो येस इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी वेरी एंड बट इफ यू न्यू डू माई चैनल टेक अर मोमेंट हिट दट रेट सब्सक्राइब बटन ना विदाउट एनी फॉर द ब्लैबरिंग ले डाइव राइट इन टू द वीडियो तो एकदम ही रैंडम ऑर्डर में मैं आप लोगों को प्रोडक्ट्स दिखाने वाली हूँ इट विल बी सिमिलर टू द प्रीवियस वीडियो सो चलो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं तो सबसे पहला प्रोडक्ट दैट आई हैव इज दिस पिलग्रिम का पाटुआ ए एच ए बी एच ए स्कैल्प स्क्रब ये बहुत ज़्यादा अच्छा स्कैल्प स्क्रब है मैंने प्लम का भी स्कैल्प स्क्रब यूज़ किया है बट दिस वन इज द बेस्ट मैंने इससे अच्छा स्कैल्प स्क्रब अभी तक यूज़ नहीं किया है दिस इज अमेजिंग जो मैंने प्लम वाला यूज़ किया था इट हैड बीड्स लाइक जैसे अपना स्क्रब में होते हैं इट हैड दैट तो वो ना वॉश करते टाइम निकलने में बहुत दिक्कत करता है बट दिस वन इज लाइक अ लिक्विड आई डोंट थिंक अभी बचा है मेरा या आई हैव एमटेड एवरी लास्ट ड्रॉप ऑफ दिस इट इज़ दैट गुड तो इसको जब भी आपको ऐसे डांड फ है या बिल्डअप uh, हो गया है हेयर पे आफ्टर हेयर स्टाइलिंग एंड ऑल तो आप इसको अपने बालों में एक एक सेक्शन करके अपने रूट्स पे लगा के मसाज इट वेल कीप इट ओवर नाइट दैट इज वॉट आई यूज टू डू अगर आप इतना टाइम नहीं है कीप इट इट फॉर हाफ एन आवर आवर और एंड एंड देन वॉश ऑफ ये आपका सारा स्कैल्प इतने अच्छे से क्लीन कर देगा अगर आपके स्कैल्प स्कैल्पे ज्यादा बिल्डअप है या डैंड्रफ है तो उसकी वजह से आपको सर पे भी छोटे छोटे एक्ने हो जाते हैं पिंपल्स हो जाते हैं एंड माथे पे भी वो फंगल एक्ने होने लग जाता है तो टेकिंग केयर ऑफ योर स्कैल्प इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेंट एंड दिस इज़ अ रियली गुड प्रोडक्ट फॉर दैट मूविंग ऑन टू ए हीट प्रोडक्शन स्प्रे दिस इज फ्रॉम बी ब्लांट अब इसको तो मैं बहुत बार रिकमेंड कर चुके हैं और आज की वीडियो में मैंने बी ब्लांट के और कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं रखे हैं बिकॉज बी ब्लॉन्ट के मैंने एक सेपरेट वीडियो की थी जहाँ पर मैंने आप लोगों को मेरे सारे फेवरेट्स बताए थे फ्रॉम बी ब्लॉट तो वो हॉल वीडियो में लिंक कर दूंगी आई बटन में आप उसको चेकआउट कर लो बट इसको तो इंक्लूड करना बनता ही था बिकॉज देर इज नो अदर हीट प्रोडक्शन स्प्रे बेटर देन दिस बिकॉज आई हैवेंट यूज एनी मे को ये इतना ज़्यादा पसंद है कि आई डो नॉट फील लाइक यू नो स्विचिंग अप एंड क्योंकि ये बाई वन गेट वन की सेल पर मोस्टली मिल जाता है सो इट इज़ वेरी वेरी इन एक्सपेंसिव फाइव हंड्रेड रुपीज़ की इसकी एम आर पी है बट यू गेट इट इजीली फॉर टू फिफ्टी रुपीज़ ऑन बाई वन गेट वन सेल सो आई रियली रियली लाइक इट एंड अगर आप अपने बालों को हीट स्टाइलिंग करते हो या इवन अगर आप बहुत तेज़ धूप में बाहर जाते हो मेक श्योर टू यूज़ दिस एंड यू विल सी अ मेजर मेजर डिफरेंस इन योर हेयर जो हमारे बालों में स्प्लिट

आई जस्ट हैव टू रिकेकमेंडेड लाइक देयर आर अर शैम्पू जैसे बिल्ली बल्ड का भी शैम्पू मुझे काफी ज़्यादा पसंद है बट वो दूसरी वीडियो में इसलिए वो आज नहीं बता रही हूँ बट दिस शैम्पू हेज टू हैज टू हैज टू बी देर इन माई हेयर केयर फेवरेट्स वीडियो अलॉन्ग विद दिस कंडिशनर अगेन ये वेवी रेंज का ही कंडिशनर है नाउ इस रेंज के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है तो वो लिंक कर दूँगी आप डिटेल चाहो तो उधर चेक कर सकते हो बट दिस शैम्पू इज़ वेरी वेरी गुड चाहे आपके स्ट्रेट हेयर है कर्ली हेयर है वेवी हेयर है इनके पास तीनों ही वेराइटी अवेलेबल है सो यू नो यू कैन चीज चेक इट आउट एंड ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग काम करता है लाइक इट इज जस्ट

होता है बिकॉज आर हेयर इज़ नेचुरली वेरी वेरी ड्राई तो कंडीशनर से उतना ज़्यादा नहीं कुछ हो पाता सो इवन इफ़ यू आर यूजिंग कंडीशनर्स ऑन यू नो योर रेग्यूलर वॉशेस वीक में एक बार तो हेयर मास्क यूज करना ही करना है इवन फॉर स्ट्रेट हेयर बट कर्ली हेयर किलर तो आई विड रिकमेंड की इफ यू कैन यूज स्कीप कंडिशनर एंड स्टिक टू हेयर मास्क क्योंकि ये आपके बालों को डीपली कंडेशन कर देता है बहुत अच्छे से नरिश करता है एंड दिस वन इज वेरी वेरी गुड फॉर दैट मैटर ये आर्गेन ऑयल हेयर मास्क है एंड दिस रिटेल्स फॉर सिक्स फिफ्टी रुपीज बट पिलग्रेम पर हमेशा ऑफर्स चलते रहते हैं बाय वन गेट वन होता है बाई थ्री फॉर सम आई थिंक थाउजेंड रुपीज तो उसमें आप ये वाले प्रोडक्ट्स You know, बहुत ही ज्यादा चीप रेट्स पे आ, पिक आउट कर सकते हो बिकॉज दैट इज वॉट आई लाइक टू डू आई नाइस सो येस दिस इज अ वेरी वेरी गुड हेयर मास्क ये बहुत ज़्यादा अच्छे से आपके बालों को हाइड्रेट कर देता है नरिश कर देता है एंड बहुत ही ज्यादा स्मूद बना देता है अनादर हेयर मास्क दैट आई रियली रियली लाइक दिस वन फ्राम लव ब्यूटी एंड प्लानीट ये भी बहुत ज्यादा अच्छा अगैन इसमें आर्गेन ऑयल आई जस्ट रियली लाइक प्रोडक्ट विद आर्गेन ऑयल इन इट बिकॉज वो अच्छे से आपके बालों को नरश करके रखता है सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी गुड हेयर दो टब मंगा रखे ऑफ माई फेवरेट आर दीज थ्री हेयर मास्क फ्रॉम प्लम ये तीनों ही बहुत ज्यादा अच्छे हैं जब तक मेरे को पिलग्रीम और लव ब्यूटी एंड प्लानट वाला हेयर मास्क के बारे में नहीं पता था आई स्टक टू दीज टू हेयर मास्क फ्रॉम प्लम एंड फिर ये कोकोनट वाला तो अभी आई थिंक रिसेंटली इनका लॉन्च है तो आईव यूज इट जस्ट वंस बट प्लम के हेयर मास्क आर वेरी 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 गुड एंड अगेन प्लम की वेबसाइट पर आपको काफी सारे ऑफर्स मिलते रहते हैं सो या यू कैन चेक दीज हेयर मास्क आउट बट येस इफ यू हैव एन ट्राइड आउट हेयर मास्क येट आप एक बार ट्राई करके देखो एंड यू विल जस्ट लव इट सो नेक्स्ट आईव टू सीरम्स फॉर यू गाइज तो जब भी मैं अपने बालों को स्टाइल कर लेती हूँ उसके बाद आई लेक टू टॉप ए टॉप विद फ्यू ड्रॉप ऑफ हेर सीरम बिकॉज वो बालों का गेन बहुत स्मूथ

भी आपके बालों को ना ऑयली ऑयली नहीं बनाता एंड लुक एट द शाइन यही शाइन आपको अपने बालों में मिलती है जस्ट लुक एट

एंड ये बहुत ज्यादा अच्छे से आपके बालों को शाइन प्रोवाइड करता है प्लस द बेस्ट थिंग इज दिस वन नाररिश इज़ योर हेयर एंड हाउ जिस लुक एट द आफ्टर लुक एट हाउ शाइनिंग माई हेयर गॉड सो या दीज आर द टू सीरम्स दैट आई रियोली रियली लाइक इन दोनों की ही जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है अच्छे से आपका फ्रिज टेम कर देते हैं ये एंड ऑल्सो गिव अ वेरी ब्यूटिफुल शाइन टू हेयर नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इवन इफ यू आर यूजिंग हेयर मास्क सीरम्स एंड आपको अभी भी लग रहा है आपके बालों की क्वालिटी नहीं होती अच्छी है यू हैव बीन मिसिंग आउट ऑन लीव इन कंडिशनर्स एंड ये मैंने अभी दो साल से ही स्टार्ट किया है उससे पहले मैं नहीं करती थी एंड आई हैव सीन अ मेजर 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 डिफरेंस इन माई हेयर ना वॉट अ लिव इन कंडिशनर इज बेसिकली जब आप बाल धोते हो तो ऑल ऑर ऑफ यू जब आपके बाल डैम्प होते हैं यू अप्लाई हेयर सीरम टू इट इफ आई एम नॉट रॉन्ग बट आई थिंक बेटर देन हेयर सीरम्स गो फॉर अ लिव इन कंडिशनर फॉर दैट स्टेप क्योंकि जब आपके बाल डैम्प होते हैं उस टाइम पर यू अपलाई लिव इन कंडिशनर उसको अपने बालों में छोड़ दो तो इट विल मॉइस्चराइज योर हेयर फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम एंड आपके बाल बहुत ज्यादा मैनेजेबल हो जाते हैं बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं फ्रिज बिल्कुल खत्म हो जाता है लुक इट माई हेयर देर इज नो फ्रिज वॉट सो एवर माई हेयर हैज़ बिन रियली रियली गुड सिंस एव स्टार्टेड इन कार्पोरेटिंग ऑल दीज स्टेप्स इन माई हेयर केयर रूटीन तो ये वाला काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल और अच्छा प्रोडक्ट है दिस इज लॉरियाल का हाइलोरॉन मॉइस्चर हाइड्राफिलिंग नाइट क्रीम इसको मैंने अभी जो रिसेंट नायका की सेल थी उसमें से मंगाया था इसको मैंने पहले ज़्यादा यूज नहीं किया हुआ है बट आई हेव ऑलरेडी बीन दिस मच थ्रू द ट्यूब एंड आई एम ऑब्सेज मतलब इसका आपका बहुत ही एकदम पी साइज अमाउंट लगता है दिस इज द कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा थिन है एकदम से आपके बालों में अब्जॉर्ब हो जाती है आपके बालों को बिल्कुल वे डाउन नहीं करती हैवी नहीं फील करती है क्रीम बिकॉज इट इज़ अ नाइट क्रीम आप इसको अपने ड्राई बालों पर रात में भी लगा के सो सकते हो इफ़ यू हैव अ यू नो बिग इवेंट कमिंग अप तो आप रात में लगा के सो सुबह यू विल वेक अप विद वेरी सॉफ्ट एंड लशियस हेयर क्योंकि इसमें हाइलोरॉनिक एसिड है तो आपके बालों को बहुत ज़्यादा अच्छे से हाइड्रेट कर देता है बट इवन इफ़ यू यूज़ इट एज अ इन कंडीशनर आफ्टर योर शावर जब आपके बाल डैम्प हैं टाल ड्राई हैं तो भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम

एंड इसके बाद ये वाला प्रोडक्ट अप्लाई करो ये थोड़ा सा थीक है पिछले वाले के कंपैरिजन में दिस इज़ व्हाट दिस वन लुक्स लाइक एंड ये बहुत ज़्यादा नरिशिंग है द डिफरेंस इसमें हल्का सा होल्ड भी है तो अगर आप इसको अपने बालों पे लगाते हो एंड यू स्क्रंच योर हेयर इवन इफ यू डू नॉट फॉलो योर यू नो द फुल सी जी एम कोली गेथर्ड कि बाल बहुत ज़्यादा अच्छे से वो कर्ल्स और वेव्स होल्ड करके रखते हैं पूरे दिन एंड बिल्कुल आपके बाल फ्रिजी नहीं होंगे दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट अनादर

चेक इट आउट ना यादिज वो ऑल दी प्रोडक्ट जो मैं अपने एवरी डे हेयर केयर रूटीन में इन्वॉल्व करना पसंद करती हूँ एंड आई हैव बीन रीपरचेसिंग ऑल ऑफ दीज प्रोडक्ट इन्स अ कपल ऑफ ईयर्स तो येस दीज आर माई स्टेपल्स तो आप लोग जरूर इन प्रोडक्ट्स को चेकआउट करो एंड आपकी जो हेयर केयर प्रॉब्लम्स हैं वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगी फिर भी अगर आपको लगता है कि आई मिस्ड आउट ऑन समथिंग इन टूडेज़ वीडियो आप नीचे कॉमेंट करके मुझे जरूर बताना एंड ऑल्सो टेल मी वॉट आर द वीडियोज़ यू वॉन्ट मी टू मेक एंड येस अगर आपका आज का वीडियो अच्छा लगा हो हेल्पफुल लगा हो लाइक चे कॉमेंट एंड सब to my channel i shall see you super super soon in my next video till then stay safe stay healthy bye bye